हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज के वीडियो में आपके लोगों के साथ 3 बन हेयर स्टाइल शेयर करूंगी एंड आई होप कि आपको हेयर स्टाइल बहुत पसंद आए। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले आपको पोनी कर लेना है और आपको ये डोनट लेना है बन बनाने के लिए। तो आप डोनट लोगे और उसको अच्छे से फिर पिनअप कर लोगे, देन उसके बाद आपको ये जुड़े वाले पिन लेना है। इसे अच्छे से आपको इसको पिनअप कर देना है। अब आपको चारों तरफ इसके बालों को फैलाकर उसको रबर बैंड हम इसको लगाएंगे। टाइट करके आपको रबर बैंड लगा देना है। और रबर बैंड लगाने के बाद आप उसको अच्छे से फिर पिन कर लोगे। उसके बाद क्या करना है गाइस, तो हमें ना दोनों जो हमने पूरे बाल फैलाए थे उनको 2 सेक्शन में करना है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। फिर आपको दोनों तरफ से छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और उनको क्रॉस करते जाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे क्रॉस किया है ना, फिर मैं यहाँ से राइट साइड से लूँगी, फिर मैं ऐसे क्रॉस करूँगी, राइट वाला सेक्शन हम लेफ्ट में ऐड करेंगे, मिला देंगे, और फिर हम लेफ्ट से लेंगे जो सेक्शन वो हम राइट में मिला देंगे। आपको ब्रेड नहीं बनानी है, सिंपल यहाँ पे क्रॉस करते जाना है बालों को। तो फिर हम अगेन लेफ्ट से उठाएंगे वो राइट में ऐड कर देंगे, राइट से उठाएंगे वो लेफ्ट में ऐड कर देंगे। तो सेम आपको यही प्रोसेस करना है। बस उसके बाद हमें फ्रेंच ब्रेड नीचे तक बना लेनी है और उसको ऐसे फोल्ड करके फिर हम जूड़े वाले पिन से इसको पिनअप कर देंगे और हमारा ये फर्स्ट नंबर पे हमारा बन यहाँ पे रेडी हो जाता है, फर्स्ट बन। तो बस आप यहाँ पे कोई भी हेयर एक्सेसरीज जो आपके पास है वो यहाँ पे लगा दीजिए बन में। तो गाइस सेकंड नंबर वाला बन तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें तो आपको आई थिंक 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपको रबर बैंड से पहले पोनी कर लेना है, अच्छे से बांध लेना है। उसके बाद जो हम ये डोनट लेंगे, हमें ये लास्ट के बालों की जो लेंथ की सबसे हमारी लेंथ की नीचे वाला भाग है वहाँ पे इसको लगाना है और ऐसे इसको बालों को राउंड करते जाना है। बन के नीचे हम ऐसे राउंड करते जाएंगे, इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे और जो हमारे हेयर है वो अपने आप ही इसमें राउंड होते जाएंगे। आपको ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है, राउंड करते जाना है। तो गाइस एक्चुअली डमी के हेयर थोड़े ख़राब है इसलिए उसमें जो है वो सफाई नहीं आ रही है, बट अगर आप ये खुद के बालों पे किसी और के बालों पे ट्राई करोगे तो बहुत ही क्लीन रहता है, क्योंकि मैं पार्थी के बालों पे भी ये ट्राई कर चुकी हूँ और ये बन बिल्कुल टाइट बनता है। तो आपको ऐसे राउंड करते करते जाना है और आपका बन रेडी हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड नंबर वाला बन भी रेडी हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर वाले बन पे। तो आपको पोनी कर लेना है यहाँ पे बालों को और डोनट लेना है, अच्छे से आप बालों को पिनअप कर लोगे, डोनट को आप अच्छे से पिन कर लोगे ताकि वो लूज ना रहें। देन आपको फिर से आपको वैसे ही बालों को फैला के फिर उसको अच्छे से, यहाँ पर हम जो रबर बैंड लेंगे उसको हमें ऐसा रबर बैंड लेना है जो बहुत ज़्यादा टाइट हो। बस फिर आपने छोटे छोटे सेक्शन उठाते जाने हैं, बालों को ट्विस्ट करना है और आपको इसमें नेट बनानी है, मतलब आप क्रॉस करते करते नेट बनाओगे। तो बालों को पहले ट्विस्ट करना है, जो हमारी रबर बैंड है उसमें हम ऐसे उसमें से निकाल देंगे।
फिर हमें अगेन यहाँ से ट्विस्ट करना है राइट साइड से, फिर उसको हम क्रॉस करते जाएंगे। जैसे नेट होती है आपको सेम वैसा बनाना है। बेशक आप उसमें फिर जो हमारी ट्विस्ट ब्रिज जो हम बना रहे हैं वो आप दो पार्ट डालो या थ्री पार्ट, जैसे भी आपको जितने भी आपको नेट चाहिए आप उतना डाल सकते हो। एक दूसरे को आपको क्रॉस करते जाना है, तो बस सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।